होम इज ऑलवेज आर ओन प्लेस। तो चलिए दिखा दें आपको कनाडा का मेरा होम टूर। नमस्कार, स्वागत है आपका इस ब्लॉग में, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कनाडा के घर कैसे होते हैं। ये है गैरेज और यहां से है हमारी सेकंड एंट्रेंस। वेलकम टू माई होम। तो सबसे पहले आता है ये रैक, जहां पे हम अपने ओवरकोट, स्वेटर वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि बाहर ठंडी होती है और घर एकदम गर्म होता है, बिकॉज यहाँ पे घर में हीटर होते हैं। तो बाहर कितनी भी ठंड हो, लेकिन घर में आपको जैकेट्स वगैरह पहनने की जरूरत नहीं होती है। ये जो सेकंड एंट्रेंस मैंने आपको दिखाई थी कि गैरेज में से अगर हम एंटर लेते हैं, तो यहाँ से भी उसकी सेकंड एंट्री होती है। यहाँ पे आप शू रैक देख सकते हैं और यहाँ पे भी एक अलग कपबोर्ड होता है, जहाँ आप अपने ओवरकोट, स्वेटर और जैकेट रख सकते हैं। और यहाँ पे है वॉशरूम। यू कैन सी हियर, दिस इज अ वेरी स्पेशियस एंड here I will show you the full view of our washroom. So this washroom is situated on our ground floor. और यहाँ से हम जाएंगे हमारे first bedroom में. You can see this is a very pretty huge, and I will show you यहाँ पे किस तरह के closet भी होते हैं. तो ये है ये room का closet. और यहाँ से हमारी बैक डोर एंट्रेंस है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बाहर निकल सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। सो दिस इज बैक डोर एंट्रेंस। नाउ लेट मी शो यू यहाँ का जो व्यू है, इस रूम से कैसा व्यू आता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज एंड वंडरफुल बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये बेडरूम से बाहर निकल के यहाँ पे बेसमेंट में जाने का रास्ता है, जहाँ पे हम लॉन्ड्री करते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक यू ऑन आवर फर्स्ट फ्लोर। तो चलिए ले चलते हैं आपको हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। सो दिस इज आवर फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे किचन भी है और लिविंग एरिया भी है। तो चलिए ले चलते हैं आपको हमारे किचन में। सो दिस इज आइलैंड, जहाँ पे हम खाना बना के रख सकते हैं, और यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टफ। इसीलिए आपने अगर वीडियोस देखे होते हैं, तो हमें हमारे बर्तन भी ऐसे ही लाने होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो जस्ट यू हैव टू ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्टफ एंड इट विल बी ओपन। आई विल शो यू दैट यहाँ पे लाइट भी होती है, चिमनी भी होती है। एंड इसको कैसे ऑन करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो यू हैव टू जस्ट दिस ऑन और यहाँ पे रेड लाइट होगी। सो इट मीन्स कि आपका जो स्टव है वो चालू हो चुका है और अब आप उसके ऊपर बर्तन रख सकते हैं। यहाँ पे ऑन, ऑफ, हाई, लो, मीडियम, और जब ये रेड है तो इट्स ऑन। नाउ इफ कैन यू कैन डू इट ऑफ, सो ये ऑफ हो गया। बट ये सरफेस अभी हॉट है, तो यहाँ पे इंडिकेटर भी है कि हॉट सरफेस है, तो आप अपना हाथ वहां पे मत लगाइए। यहाँ पे है हमारे पास टोस्टर, कॉफ़ी मशीन एंड माइक्रोवेव। अनदर थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दिस प्लेस इज, यहाँ पे जो नल होते हैं वहाँ पे हॉट वाटर भी आता है और कोल्ड वाटर भी आता है। तो अगर आपको बर्तन धोने हैं इवन इन दिस फ्रीजी कोल्ड एरिया, इट इज़ वेरी इजी। तो नाउ इट्स टाइम टू शो यू आवर फ्रिज। कोई बात नहीं, आप भी देख लीजिए हमारे फ्रिज में क्या क्या है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे जूसेस भी हैं, पीनट बटर भी हैं, मिल्क भी है। नाउ इट्स टाइम टू शो यू किचन का व्यू कैसा है। तो यहाँ किचन पे मैं कॉफी पीते पीते या हॉट चॉकलेट पीते यहाँ का वंडरफुल व्यू भी एंजॉय करती हूँ, ऑफकोर्स विथ सीटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल। एंड इट्स रियली वंडरफुल एंड क्वाइट चीयरफुल, बिकॉज यहाँ की पीस इज द मेन फेवरेट थिंग। So now it's time to show you the living area. So yes, यहाँ पे सोफा भी है, चेयर्स भी है,
सो यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आता है और समर में ये बालकनी का जो व्यू है दैट इज़ अ रियली वंडरफुल। सो चलिए अब ले चलते हैं आपको हमारी बालकनी में। सो दिस इज़ द ओनली एरिया जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट मिलती है एंड इट इज़ ऑल्सो वंडरफुल टू एन्जॉय माई हॉट चॉकलेट हियर बिकॉज यहाँ से भी व्यू बहुत ही अच्छा है एंड यू कैन सी द होल सराउंडिंग ऑफ माई एरिया। So cheers with my hot chocolate because this is really my favorite place here to enjoy my me time and think about more creative ideas. Now it's time to take you on the second floor. So second floor में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ये temperature set हम कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम, यस आपने सही सुना है, ये मास्टर बेडरूम है विद चेक इंजन बाथरूम एंड वॉकिंग वार्डरोब। बट फॉर दैट यू हैव टू वेट बिकॉज वी हैव जस्ट शिफ्टेड हियर, सो वी हैव टू सेटल डाउन एंड देन वी विल शो यू अ स्पेशल वीडियो ऑन मास्टर बेडरूम। सो सेकंड फ्लोर पे हमारे पास एक कॉमन वॉशरूम है बट हमारे पास यानी कि मास्टर बेडरूम में हमारे पास जेक एंड जिल स्पेशल वॉशरूम है और यू कैन सी दिस हमारे ग्राउंड फ्लोर किचन और यहाँ पे भी हर फ्लोर पे एक वॉशरूम तो दिया गया हुआ है। सो दिस वॉशरूम इज स्पेशली फॉर दिस बोथ बेडरूम्स। तो चलिए दिखाते हैं ये दो बेडरूम्स कैसे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ का व्यू बड़ा ही प्यारा है विच इज़ क्वाइट स्पेशियस और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है सो इन समर इट इज़ विल बी वेरी गुड फीलिंग। सो यहाँ पे ये एरिया है और इनका क्लोजेट यहाँ है। और ये है हमारा सेकंड रूम और यहाँ का व्यू विच इज रियली ऑसम फ्रॉम ऑल द व्यू एंड दिस इज रियली माय वन ऑफ द फेवरेट एरियाज। नाउ यू कैन सी दैट वंडरफुल व्यू ऑफ होल सोसाइटी एंड यहाँ से सनराइज भी बहुत अच्छा दिखता है। और इस रूम में भी एक अलग क्लोजेट है विच यू कैन सी हियर। सो आपको ये हाउस टूर कैसा लगा? वी हैव जस्ट शिफ्टेड हियर सो मास्टर बेडरूम का अलग वीडियो भी आने वाला है। तो टू नो मोर अबाउट कैनेडा एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।